अटैच बात तो सिर्फ दाऊद के कमरे के साथ है, वही कमोड है। वेरी गुड, थैंक गॉड। भाभी किम को आदत नहीं है ना, तो इसे वहां मैनेज कर ले, मैं तो कहीं भी गुजारा कर लूंगा। रजिया तुम ऐसा करो, किम को ना दाऊद के कमरे में ले जाओ। हाँ जाओ बेटा। गो बेटा। आ जाओ, मेरी बात समझ जाएगी। भाभी सब समझती है, उर्दू बोलती भी है और पढ़ना भी आता है इसे। अच्छा ये तो अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। अभी तुम भी मेरे ख्याल से आराम करो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसको तो अच्छी भली उर्दू आती है। गुन्नी मिसनी खामोशी से हमारी सारी बातें सुन रही थी। वही हमारी नहीं तुम्हारी, और तुम तो बस पकते ही गए ना उसके सामने कुछ भी। मुझे क्या पता था उसे उर्दू आती है, चालाक लूमड़ी कहीं की। तुमने तो अपनी सारी जितनी इंग्लिश आती थी ना सब बोल डाली, देखेगी मैं नहीं तुम्हारी तरफ अब। ओ हेलो, मुझे कोई जरूरत नहीं कि वो मुझे देखे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टॉक है मेरे पास। ये अपनी बेहुदा बातें तुम दाऊद भाई के सामने क्यों नहीं करते, जान से मार डालेंगे। हेलो ये दाऊद भाई का ड्रामा मुझे ना दिया करो, मैं नहीं डरता वरता उनसे। नहीं डरते पक्का? अभी बताती हूँ तुम कैसे वर्तरमा के सामने आगे पीछे घूम रहे थे, बताती हूँ। मुंह बंद रखो अपना। वैसे काश मैं भी मुंह बंद रखता अपना, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये जुल्म ना करो बेटा, 4 साल की मंगनी यूं खत्म ना करो, हमारे ताया जी से बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे नहीं करनी इस एफए पास जाहिल खुशी से शादी अब्बा जी।